हाय यू ऑल, आज मैं हूँ अपने किलांची प्लांट के साथ जिस पर अटैक किया था व्हाइट फ्लाइज ने, जिसके लिए मैंने एक होममेड सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। और इस सॉल्यूशन को आप किसी अदर प्लांट पर भी जिस पर व्हाइट फ्लाइज ने अटैक किया है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो शोइंग माई पॉजिटिव रिजल्ट, सो लेट्स बिगिन। फर्स्टली आई एम शोइंग माई प्लांट दैट इज इन्फेक्टेड। ये किलांचू का प्लांट है और इसमें आपको वाइट डॉटेड नज़र आ रहे हैं डॉट्स, ये क्या हैं? वाइट फ्लाइज हैं जो स्पेशली ग्रोइंग पॉइंट्स पर ही ज़्यादा अटैक करती हैं, क्योंकि ग्रोइंग पॉइंट पर सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और वो इजीली उनको सक कर सकती हैं। तो देखिए, ग्रोइंग बर्ड्स पर या फिर जो लीफ हैं, जो छोटी लीफ हैं, नई लीफ निकल रही हैं प्लांट में, उस पर ही ज़्यादा फ्लाइज का अटैक दिख रहा है इन कंपेरिजन टू ओपन फ्लावर और ओल्ड लीफ। तो देखते हैं इसके लिए हम घर से क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, यह है सोप बार, जिसको हम शीका काई भी कहते हैं। सबसे पहले मैं इसको बॉयल कर रही हूँ जिससे इसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकल जाए। अब मैं इसको अपने स्प्रे बॉटल में 10 ml के आसपास डाल रही हूँ। इसके साथ हम ऐड करेंगे नीम केक, जो एक बहुत अच्छा पेस्ट कंट्रोलर है, और मैं इसको मोस्टली भिगोकर ही यूज़ करती हूँ जिससे इसके रिज़ल्ट फास्ट और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। जिसको हाफ ग्लास मैं शिकाकाई में ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ साथ हम 2-3 ड्रॉप्स ऑयल भी यूज़ करेंगे। तो इसका आप कंप्लीट सॉल्यूशन बना लीजिए 1 लीटर के आसपास और अपने प्लांट में स्प्रे करेंगे। अब अगर आपके पास शिकाकाई नहीं है तो आप उसकी तरह कोई जेंटल लिक्विड सोप यूज़ कर सकते हैं, बट इट शुड बी वेरी मिनिमम। प्लांट को हार्म नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि जो सोप है वो एक इंसेक्टिसाइडल का वर्क करता है, तो इसीलिए मैंने इसमें शिकाकाई यूज़ की है। और ऑयल जो हमने यूज़ किया है वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ऑयल वाइट फ्लाइज के ऊपर एक कवर बना लेगा, मतलब उससे स्टिक हो जाएगा, जिससे उसको रेस्पिरेशन में, गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो सकती है और दे विल किल्ड। और ऑयल ध्यान रखें 2-3 ड्रॉप्स ही लेना है, जिससे हमारे प्लांट को कोई इशू ना हो, क्योंकि ऑल्सो प्लांट एक्सचेंज द एयर विद देयर पोर्स। अगर हमने ज़्यादा ऑयल यूज़ किया तो वो भी ब्लॉक हो सकता है। देखिए, ये फर्स्ट स्प्रे के बाद रिजल्ट है। जो वाइट फ्लाइज हैं उनका अटैक थोड़ा कम लग रहा है, मतलब वो थोड़े कम विजिबल हैं पहले के कंपैरिजन में। नाउ आई विल अगेन स्प्रे दिस, और ऐसे अल्टरनेट डेज पर 2-3 टाइम्स स्प्रे करने से प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा एंड इट विल बी फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन। सो सी द रिजल्ट, माई प्लांट इज़ क्वाइट हेल्दी and no white fly is visible now. So try this if your plant is infected. Bye bye. Happy gardening.